तो क्या आप भी हैं गेमिंग के शौकीन और कंफ्यूज हैं इस चीज को लेके कि आपके लिए कौन सा बेटर है, एक प्रॉपर पूरा गेमिंग का पीसी या फिर एक गेमिंग कंसोल? तो दोस्तों मैं मनसिंह टिंकल एजेंडा में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों हमारा आज का एजेंडा है अ प्रॉपर गेमिंग पीसी वर्सेस ए गेमिंग कंसोल। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक देखें। दोस्तों एक्चुअली ये लड़ाई एक गेमिंग कंसोल और एक प्रॉपर गेमिंग पीसी के बीच में ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी, सभी अपने अपने ओपिनियंस देते हैं कि मतलब कौन से सिचुएशन में कौन सा ज़्यादा बेटर निकलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको इस यही बताने वाला हूँ कि मतलब किस सिचुएशन में, किस सिनेरियो में कौन सा ज़्यादा बेटर होता है, एक गेमिंग कंसोल कहाँ पे ज़्यादा बेटर होता है, एक गेमिंग प्रॉपर पीसी कहाँ ज़्यादा बेटर निकल के आता है। दोस्तों अगर बात करें फैक्ट्स, तो जो पहला फैक्ट यहाँ पे निकल के आता है वो तो कुछ ऐसा है कि जो एक प्रॉपर गेमिंग हाई एंड पीसी होता है वो एक, अगर इसे कंपेयर करें एक नॉर्मल गेमिंग कंसोल से हम, तो उसकी जो परफॉर्मेंस है, जो एक्सपीरियंस आपको मिलेगी वहाँ से, जिसका जो ग्राफिक्स है, मतलब हर मामले में वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर निकल के आता है, वो काफ़ी ज़्यादा आपको एक बढ़िया एक्सपीरियंस देगा अगर उससे हम कंपेयर करें एक नॉर्मल गेमिंग कंसोल से हम तो। लेकिन दोस्तों जो दूसरा फैक्ट निकल के आता है वो तो कुछ ऐसा आता है कि जो एक गेमिंग कंसोल अगर उसी प्राइस में अगर हम एक पीसी को बिल्ड करें, एक गेमिंग पीसी को और बिल्ड करते, तो आपको वैसी क्वालिटी देखने को नहीं मिलती। यानी कि अगर बात करें वहाँ पर बजट की, तो काफ़ी ज़्यादा आपके बजट फ्रेंडली निकल के आता है ये गेमिंग कंसोल। यानी कि प्राइस ज़्यादा उसकी कुछ ऐसा नहीं होता है, मतलब कुछ बहुत ज़्यादा हाइक नहीं होती प्राइस में, वो ठीक ठाक प्राइस में आपको एक अच्छी खासी गेमिंग प्रोवाइड कर देता है। अगर आपको वैसी ही प्राइस में, यानी कि जितने प्राइस में आप एक गेमिंग कंसोल को लेते हैं, उतने प्राइस में अगर आप सोचोगे कि एक मैं गेमिंग कंप्यूटर भी, यानी कि गेमिंग पीसी भी बिल्ड कर दूँ, तो उतना अच्छा आपको वहाँ परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। इस मामले जो आपका ये जो गेमिंग कंसोल है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर निकल के आता है, यानी कि वो बजट काफ़ी ज़्यादा, वो बजट फ्रेंडली है, आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा एक अच्छे बजट में। अब दोस्तों जो एक और फैक्ट निकल के आता है वो आता है कि मतलब एक जो आपका प्रॉपर गेमिंग जो पीसी है उसमें आप सब कुछ कर सकते हो जो आप एक नॉर्मल कंप्यूटर में करते हो। यानी कि सर्फिंग वगैरह, जितने मतलब इंटरनेट सर्फिंग, जितने आपके अदर वर्क्स होते हैं, वीडियो एडिटिंग वगैरह, गेमिंग, मतलब सब कुछ आप वहाँ पे एक प्रॉपर गेमिंग पीसी में कर सकते हो इजीली, काफ़ी बढ़िया तरीके से, बिना किसी लैगनेस के। लेकिन अगर दोस्तों वहीं पर एक बात करें एक हम गेमिंग कंसोल की, तो वहाँ पे आप मतलब उतनी चीज़ें नहीं कर पाओगे, वहाँ पे आप सिर्फ गेमिंग वगैरह कर पाओगे और इंटरनेट सर्फिंग वगैरह आप कर सकते हो। बट वहाँ पे जो आपका कंप्यूटर सिस्टम, यानी जो आपका प्रॉपर एक गेमिंग पीसी है, वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे प्रोडक्टिव निकल के आता है। यानी कि उसमें आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे काम को कर सकते हो, अपने आप मैक्सिमम टास्क वहीं पर आप कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन आपका गेमिंग कंसोल आपको वहाँ पे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। यानी कि अगर इन दोनों में कंपेयर करें, तो वहाँ पे जो विनर है वो हमारा निकल के आता है एक प्रॉपर गेमिंग पीसी, जहाँ पे आप मैक्सिमम अपना प्रोडक्टिविटी वाला भी काम कर सकते हो। दोस्तों अगर वहीं बात करें पोर्टेबिलिटी की, फ्लेक्सिबिलिटी, तो वहाँ पे जो आपका एक गेमिंग कंसोल है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर निकल के आता है, काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। मतलब कि आप उसे कहीं भी इजीली उसको आप उठा के ले जा सकते हो, अपने टीवी से कनेक्ट किए और लगे अपने गेम स्टार्ट कर दिया और लगे बढ़िया से एकदम प्ले करने। लेकिन दोस्तों वहीं पर अगर बात करें गेमिंग पीसी की, तो वहाँ पे आप थोड़ा डिफिकल्टीज आपको देखने को मिल जाती है, आप उसे इजीली कहीं भी लेके नहीं जा सकते। यानी कि जो आपका प्रॉपर जो आपका एक गेमिंग कंसोल है, उसे आप इजीली कहीं भी लेके जा सकते हो, अपना एक गेमिंग परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन जो गेमिंग पीसी है वहाँ पे थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज यही निकल के आता है कि वो पोर्टेबल नहीं है। यहाँ पे जो एडवांटेज है वो लेके जाता है हमारा गेमिंग कंसोल। दोस्तों अगर बात करें हम इसके अलावा एक और फीचर की, तो वहाँ पे तो ऐसा निकल के आता है जो आपका कंप्यूटर नहीं, जो आपका एक प्रॉपर गेमिंग पीसी है, वहाँ पे गेमिंग के लिए आपको लगे रहना पड़ेगा अपने माउस से या फिर अपने कीबोर्ड से गेमिंग के लिए। लेकिन अगर बात करें दोस्तों वहीं पे हम एक गेमिंग कंसोल की, तो उसका जो एक्सबॉक्स है, अगर आप कनेक्ट करते हो अपने टीवी से, तो उसके टीवी के सामने आप खड़े होकर एकदम बढ़िया से स्टैंड अलोन, बढ़िया से एकदम, मतलब जो उसका फीचर जो दिया गया है, उसके खड़े सामने खेलने वाला गेम, आप काफ़ी ज़्यादा बढ़िया से अलग अलग गेम्स को वहाँ पर इन्जॉय कर सकते हो और मज़े के साथ उसका लुत्फ उठा सकते हो। अब दोस्तों एट द एंड अगर ओवरऑल हम बात करें कि मतलब आपके लिए बेटर कौन सा निकल जाता है, तो दोस्तों अगर आपके पास मतलब बजट की कोई बाउंड्री नहीं, यानी कि मतलब आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस ही चाहिए, आपको बजट की कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन है नहीं, तो बस आप एक जा सकते हो प्रॉपर गेमिंग हाई एंड पीसी के साथ, जो आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतर, काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगी उसी मतलब गेमिंग करते वक्त। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास थोड़ी बजट की प्रॉब्लम है, मतलब कि अगर आप एक नॉर्मल मतलब नॉर्मल बजट में एक अच्छा आप गेमिंग को एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो ज़रूर आप जा सकते हो एक एक्सबॉक्स की तरफ या फिर PS4 की तरफ, जो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगी अगर आप उसके साथ गेमिंग करते हो तो। लेकिन फिर से मैं आपसे वही बात करूँगा, अगर आपके पास कोई बाउंड्रीज नहीं है बजट की, और अगर आपको एकदम मतलब बढ़िया वाला, एकदम अच्छा वाला एक्सपीरियंस करना है गेमिंग को, तो ज़रूर आप जाएँ एक हाई एंड प्रॉपर PC, मतलब गेमिंग पीसी के साथ में, वो आपको काफ़ी ज़्यादा बेटर मतलब एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराएगा। तो दोस्तों बस हमारे आज के वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है दोस्तों ये जो वीडियो है इसे देखकर आप ज़रूर समझ गए होंगे कि मतलब कौन सा बेटर है आपके लिए, किस सिचुएशन में, कौन से सर्कमस्टेंसेस में, कौन से सिनेरियोज में आपके लिए कौन सा बेटर निकल के आता है। तो बस दोस्तों पूरी बातों को मिला के जो लाइक बटन थोड़ा खींच के दबाएं, वीडियो को कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।